दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खजब समाचार में। दोस्तों अगर आप बिग बॉस के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हम आपको बता दें कि बिग बॉस के लाइव फीड में यहां एक अलग ही फाइट देखने को मिल रही है, और ये जो फाइट है वो हो रही है जिया शंकर और अविनाश सचदेवा के बीच में। जहां जिया शंकर का कहना है कि मैं जब आप लोगों के ग्रुप में होती हूँ तब मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, अगर मुझे कोई पॉइंट अपना रखना होता है तो पहली बात तो आप सुनते नहीं हो, अगर यहाँ मुझे पॉइंट रखना होता है सबसे पहले तो मुझे काफ़ी सीखना होता है, क्योंकि आप लोग जो है एक से एक चिल्लाकर बात करते हो, आप लोग जो है काफ़ी तेज़ बात करते हो, तो मुझे वो पसंद नहीं है कि मैं जो है चिल्लाकर बात करूं। और फिर भी आज यहां हम आप बता रहे हैं कि किचन में एक वाक्य हुआ था जहां जिया शंकर कहती हुई नजर आ रही थी कि सब्ज़ी में हम थोड़े टमाटर डाल लेते हैं, इसमें यहां सभी ने उनको इग्नोर किया था और उसी पर यहां जिया शंकर को काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगा था, और फिर वो जो है यहां दूसरे ग्रुप में आकर बैठ जाती हैं। जब यहां अविनाश उनके पास आते हैं तो बोलते हैं कि तू आकर एकदम से वहां से क्यों आ गई, तब यहाँ जिया शंकर अपने आप को एक्सप्लेन कर रही होती हैं इसमें कि यहाँ अविनाश का कहना है कि मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ है, मैं तेरी पूरी बात सुनता हूँ, मैं यहाँ तुझे इग्नोर भी नहीं करता, और मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि तेरी आवाज़ दब गई हो। तो इस पर यहाँ जिया शंकर बार बार कह रही होती हैं कि मैं तेरे से अकेले से नहीं कह रही होती हूँ, तू अगर मुझे बात करने देगा तो मैं बोलूँगी कि बाकी मैं मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी आवाज़ जो है उस ग्रुप में दब जाती है, अगर मैं इंडिविजुअल तेरे से बात करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर दे दें, साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।